दोस्तों, ये सूटकेस आज मुझे बाय पोस्ट मिला है। ये सूटकेस तो है, पर ये कोई सामान ले जाने की सूटकेस नहीं है। दरअसल ये है कैंपिंग गैस कैंप बिस्ट्रो का पोर्टेबल गैस स्टोव। मुझे एक पोर्टेबल कुकिंग स्टोव चाहिए था जो इंडक्शन की तरह इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड ना हो। ये चलता है गैस से। अब ये कैसा है और ये कैसे चलता है, जानने के लिए चले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के बॉक्स में आया है। प्लास्टिक है पर बहुत मजबूत है। इसके बाहर ये पैकेजिंग की तरह पेपर लगा है जिसमें ये गैस स्टोव के पिक्स के साथ साथ इसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस है। कंपनी के ब्रांडिंग, लोगो वगैरह भी है, आप देख सकते हैं। अब इसको काटते हैं। उप्स, मैंने उल्टा साइड से खोला है। इसको घुमा लेते हैं। इसके अंदर कुछ पेपर्स हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। पहले तो ये है सर्विस सेंटर्स की लिस्ट। उसके बाद यह है यूजर मैनुअल, जिसमें इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखा है कि इसको कैसे यूज करें। यह प्रोडक्ट काफी मुल्कों में पॉपुलर है, इसलिए इतने सारे लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको इसको पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसको कैसे यूज करें। ये इस पे प्लास्टिक का कवर है जिसको हम हटा देंगे। इसके अंदर है हमारा स्टोव, बहुत ही प्यारा ब्राइट ब्लू कलर में है। इसकी पैकेजिंग को हटा देते हैं और देखते हैं कि कैसा स्टोव है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काफी बड़ा सा सिंगल बर्नर वाला स्टोव है। बर्नर की साइज सही है, इसलिए आप इसमें हेवी बर्तन रख के भी पका सकेंगे। काफी ऊंचा है तो गोल तवे वाले बर्तन नीचे नहीं लग जाएंगे। बर्नर एनामेल कोटेड है, काफी मजबूत है। ये जिस सूटकेस में आया है वो भी सूटकेस की तरह लैचेस के साथ आता है, इसलिए आपको जब जरूरत ना हो या फिर अगर इसको कहीं ले जाना हो तो आप इसको सूटकेस में डाल के बंद करके हैंडल से पकड़ के आसानी से ले जा सकते हैं। ये नहीं खुलेगा। प्रोडक्ट मजबूत है पर हल्का है, इसको दोनों हाथों से आप इजीली उठा लेंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। नॉब्स दिया गया है ऑपरेशन के लिए और उसके साथ साथ एक लॉक है। उसका यूज आप लोगों को इसके बाद बताऊंगी। ये स्टोव चलता है बूटेन की गैस कार्ट्रिज से, इसलिए स्टोव की एक साइड पे गैस कार्ट्रिज लगाने की भी जगह दिया गया है। मैंने गैस कार्ट्रिज भी ऑर्डर किया था पर मुझे इसी कंपनी का नहीं मिला। कैंपिंग गैस के अपनी भी कार्ट्रिजेस होते हैं और उसके साथ साथ हैंस ब्यूटेन का भी कार्ट्रिज काफी मशहूर है, वो भी अच्छी क्वालिटी का है, तो मैंने हैंस ब्यूटेन खरीदा है। दोनों ही बहुत अच्छा काम करता है। अब चले कार्ट्रिज इंस्टॉल करके इसको जला के आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, ये स्टोव बेस्ट है उनके लिए जो कैंपिंग या माउंटेनियरिंग करते हैं, क्योंकि पोर्टेबल होने के साथ साथ इसका जो फ्यूल है वो बहुत ज्यादा ठंड में भी आसानी से जलता है। उसके साथ साथ ये पिकनिक या फिर किसी भी आउटडोर आउटिंग वगैरह के लिए लाजवाब है। और अगर आप अकेले रहते हैं और एलपीजी कनेक्शन लेने में प्रॉब्लम है तो इसको टेम्पोररीली गैस की तरह यूज कर सकते हैं। अब अगर आप पर्सनली या घर पे यूज करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात यह है कि इसको किसी बरामदा या फिर ओपन जगह पे रख के चलाए, मतलब वेल वेंटिलेटेड जगह पे ही चलाए। इसके गैस सिलेंडर वाल्व के साथ आता है
जो बहुत सेफ है और लीक प्रूफ भी है एक तरह से, पर फिर भी इनको किसी सेफ और हवादार जगह पे ही रखे। दूसरी बात यह है कि इसकी फ्लेम काफी स्ट्रांग है और बहुत लो से बहुत हाई तक वैरी कर सकता है, इसलिए इसको लो फ्लेम पे जला के कुकिंग किया करें। इससे आपका गैस कैनिस्टर बहुत दिन चलेगा, बेशक छोटा हो। मैंने यूज करके देखा है, अगर आप हाई फ्लेम पे यूज करेंगे तो बहुत जल्दी गैस खत्म हो जाएगा। रोटियां बनाने के लिए अक्सर हाई फ्लेम ही यूज होता है, पर इसका फ्लेम इतना तेज है कि अगर आप इसको मिनिमम मार्क्ड फ्लेम पे ही यूज करें तो भी रोटियां आसानी से बन जाती है, हाई फ्लेम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब इसका सिलेंडर फिट करके दिखाते हैं। इस बॉक्स को खोलने पे आपको ये गैस सिलेंडर लगाने की जगह दिखेगी। इसमें एक वाल्व वाला पॉइंट है जो ऊपर एक लैच से कवर्ड है। अपने सिलेंडर पे ये रेड कलर का जो कैप है उसको पहले रिमूव कर ले। इस सिलेंडर की अच्छी बात यह है कि पहले तो इसको लगाने में या रिमूव करने में मैक्सिमम 10 सेकंड लगता है। दूसरा, जब तक ये प्रॉपर फिट ना हो इसकी वाल्व ओपन नहीं होता और गैस भी नहीं निकलता। ये देखें, मैं इसको फिट करती हूँ। इसका मुंह को इधर इस लैच के नीचे फिट करना पड़ता है। इसमें ये जो एरो है वो बिल्कुल लैच के साथ बराबर होना चाहिए। मैं अब इसको थोड़ा बस कुछ मिलीमीटर साइड पे कर दूंगी ताकि ये दिखा सकूं कि ये प्रॉपर फिट ना होने पे नहीं जलता। ये फिट हो गया है पर ये लॉक नहीं हो रहा। जी हाँ, इसको सिर्फ फिट करने से ही ये नहीं जलता। इधर इस साइड पे एक लॉक अनलॉक बटन दिया गया है। इसको नीचे ले आए। नीचे आने पे अगर ये लॉक नहीं होता तो ये गैस नहीं जलेगा। मैंने जानबूझ के गलत फिट किया है तो ये लॉक नहीं हो रहा। अब इसको सही करते हैं। अब हमने इसको सही फिट किया है। अब देखिए, इसकी एरो बिल्कुल इस लैच के साथ साथ है। अभी आसानी से लॉक हो गया। लॉक करते वक्त सिलेंडर सही फिट होना चाहिए और गैस का फ्लेम एडजस्टमेंट करने का नॉब ऑफ पे होना चाहिए। ऑफ पे नहीं होगा तो भी ये लॉक नहीं होता। ये ऑटो इग्निशन है तो माचिस नहीं चाहिए। वैसे ये माचिस से भी जलता है। इसको जलाने के लिए नॉब को आप ऑफ से नीचे की तरह मैक्सिमम से आगे ये इग्निशन के पॉइंट का जो साइन है उस तक जल्दी घुमाए तो साउंड आएगा और ये ऑन हो जाएगा। शुरू में बहुत तेज जलता है। इसका फ्लेम और कम करने के लिए इसको ऊपर की तरफ घुमाएं। नीचे हाई और ऊपर लो है। इसकी मिनिमम फ्लेम भी काफी हाई है तो आपको बिल्कुल
नॉर्मल गैस की तरह लो फ्लेम चाहिए तो मिनिमम से ऑफ के बीच रखें। यूज करने के बाद आप इसको अनलॉक करके रख सकते हैं ताकि गैस निकलने की कोई खतरा ना हो, या फिर सिलेंडर को रिमूव भी कर सकते हैं। सिलेंडर गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है, इसको रिमूव करके इसका कैप लगा के किसी हवादार जगह में रख दें। आप इसको जितना मर्जी हटा और लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। इसकी तीन फीचर्स बहुत अच्छी है। एक तो ये पोर्टेबल है, सूटकेस में डाल के जिधर मर्जी लेके जा सकते हैं। दूसरा, ये मजबूत है, इस पे आप छोटा बड़ा और घर में यूज होने वाला कोई भी हल्का या भारी बर्तन रख के आराम से पका सकते हैं। तीसरी बेस्ट फीचर है, इसमें यूज होने वाला गैस कार्ट्रिज आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह में मिल जाती है। अगर आपको इसको खरीदना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। या फिर अगर गैस कार्ट्रिज लेना चाहते हैं तो कैंप बिस्ट्रो और मैंने जो हैंस ब्यूटेन का सिलेंडर यूज किया है, दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप खरीद सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं जवाब दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। इस वीडियो में बताई गई जानकारी दूसरों को भी जरूरत हो सकती है, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना। आप देख रहे हैं व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट हमेशा।